Welcome to our YouTube channel, dosto. Today we are going to tell about how to write an English paragraph on Dr. Rajinder Prasad. Dr. Rajinder Prasad पे दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश में कैसे पैराग्राफ राइट करेंगे, कैसे उनके बारे में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट में दोस्तों हम आज आपको बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे. उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को 1884 को बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था. He was born on 3rd December. He was born on 3rd December 1884 in Jiradei village of Saran district. Saran district of Bihar state. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सारण जिले के जीरा देह गांव में हुआ था. ही वॉज बॉर्न ऑन 3rd December 1884 इन जीरा देह विलेज ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द embodiment of the best beliefs of Indian culture. Dr. Rajendra Prasad भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ मान्यताओं के मूर्तिमान स्वरूप थे. Dr. Rajendra Prasad जो थे वो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ मान्यताओं के मूर्तिमान स्वरूप थे. इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था तथा माता का नाम कमलेश्वरी था. His father's name was Mahadev Sahai and mother's name was Kamleshwari. Dr. Rajendra Prasad के जो पिताजी का नाम था वो महादेव सहाय था और माताजी का जो नाम था वो कमलेश्वरी था. His father's name was Mahadev Sahai and mother's name was Kamleshwari. नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्ली एजुकेशन टुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द took place in the district schools of Chhapra. Dr. Rajendra Prasad की जो प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला स्कूल में हुई थी. Dr. Rajendra Prasad's early education took place in the district school of Chhapra. He continued आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना में जारी रखी. He continued his further studies in Patna. In 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया. In 1902 he joined the famous presidency college इन कोलकाता. सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया. सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला. इसके बाद इन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की. इन 1915 ही रिसीव्ड द गोल्ड मेडल फॉर हिज डिस्टिंक्शन
लॉ। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री में विशिष्टता पाने के लिए इन्हें गोल्ड मेडल मिला। और इसके बाद इसके बाद इन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। आफ्टर हिस ही ऑल्सो ऑब्टेंड अ डॉक्टरेट डिग्री इन लॉ। नेक्स्ट पैरा आते हैं दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु प्लेड अ मेजर who played a major role as the president of the Indian National Congress। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु प्लेड अ मेजर रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राजनीति में गांधी जी से प्रेरित होकर आए। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केम इन टू पॉलिटिक्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी केम इन टू पॉलिटिक्स इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राजनीति में गांधी जी से प्रेरित होकर आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाइड ऑन फरवरी 28, 1963। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डाइड ऑन फरवरी 28, 1963। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत जो है 28 फरवरी 1963 में हुआ। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क ही वॉज अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1962। तो दोस्तों ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पे इंग्लिश में पैराग्राफ आप कैसे राइट करेंगे, बहुत ही इजी में हमने आपको बताया है।